व्हाट्स अप वीडियो फैमिली, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है हाउ टू अप्लाई फॉर लॉ इंटर्नशिप्स। सो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए होने वाली है जिन्होंने अभी एज अ फ्रेशर न्यू ज्वाइन किया है, लॉ में एडमिशन लिया है, या फिर जिनका फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ है, सेकंड सेमेस्टर खत्म हुआ है एंड वो इंटर्नशिप्स करना चाहते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। तो स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ आएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कैसे आप किसी लॉ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने काफ़ी कॉलेजेस में देखा होगा, वहाँ पे ना कॉलेज वाले खुद इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं एशियन लॉ कॉलेज में हूँ, तो वहाँ पे कॉलेज वाले मतलब पूछते हैं आपको, हर स्टूडेंट्स को मेल करी जाती है कि आप खुद से इंटर्नशिप करना चाहते हैं या फिर हम आपको लॉयर्स प्रोवाइड करें, कॉन्टैक्ट दें एंड आप उन्हें अपना रिज्यूम सेंड करें, देन आपको वो सिलेक्ट करें एंड आपको इंटर्नशिप मिलती है। तो कुछ कॉलेज होते हैं जो ऐसे करते हैं, मतलब आपको खुद इंटर्नशिप ऑफर करते हैं। तो उसमें ये होता है, उनकी प्रोसेस में बताता हूँ, जो एशियन के स्टूडेंट्स हैं अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। तो होता यूँ है कि वो आपको पहले आपसे पूछते हैं कि आपको खुद करनी है या कॉलेज से करनी है, तो आप उसको पहले वो आपको फॉर्म पूरा फिल करना पड़ता है। देन उसके बाद फिर कॉलेज वाले टाइम टू टाइम भेजते रहते हैं, या वीक में एक दो बार या डेली मेल्स आती हैं आपको लॉयर्स की, बहुत सारे लॉयर्स की आती हैं इसमें। वो आपको उसमें करना क्या होता है, वो आपको एक लिंक प्रोवाइड कराते हैं। पहले तो उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है सारे लॉयर्स की एंड उसमें क्या काम वो आपको कराएंगे, क्या उनकी नीड है, उसके हिसाब से उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। एंड देन फिर उसमें आपको अपना रिज्यूम बनाना होता है, आपको रिज्यूम भेजना होता है। रिज्यूम के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, जिसमें आपको बता दूंगा कि आपको कैसा रिज्यूम बनाना है, कैसा एक कैची रिज्यूम होना चाहिए जिससे आपको इंटर्नशिप ईजिली मिल जाए एंड थोड़ा एक होता है इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो देन आपको अपना रिज्यूम उनको भेजना पड़ता है। और मैं ये बोलूंगा, सबको ये सजेस्ट करूंगा कि जितने भी आपको कॉलेज वाले आपको जितने भी लॉयर्स के कॉन्टैक्ट भेज रहे हो, सबको अपना रिज्यूम भेजो, कोई ना कोई तो आपको सिलेक्ट कर ही लेगा उसमें से। ये नहीं कि आप खुद चूज करो कि यार ये कोर्ट दूर है या नहीं, हम इसको नहीं भेजेंगे। आप सबको मेल करो, सबको रिज्यूम मेल करो एंड फिर वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। तो पहले तो हमने बात कर ली कॉलेज वाले जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। तो सेकंड नंबर पे आती है कि वेरियस प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे ऑनलाइन आप अपने रिज्यूम सबमिट कर सकते हैं एंड देन वहाँ से आपको मतलब इंटर्नशिप्स के लिए ऑफर आते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले नंबर पे जो एक प्लेटफॉर्म है वो है इंटरशाला, जहाँ पे आप अपना रिज्यूम मतलब एक आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है। आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करी, जैसे फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हो या इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करते हो, वैसे आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करी, देन वहाँ पे मतलब आप सर्च कर सकते हो इंटर्नशिप, लीगल इंटर्नशिप्स के यहाँ पे या लॉ इंटर्नशिप से, देन आपको वेरियस इंटर्नशिप्स मिल जाएंगे वहाँ पे। अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। एंड मेन बेनिफिट इंटरशाला का ये है, मैं पर्सनली भी सजेस्ट करूँगा कि आप इंटरशाला पे ही वहाँ से इंटर्नशिप ढूंढो। मेन वहाँ पे ये है कि अगर आप कहीं ऑफलाइन इंटर्नशिप कर रहे हो किसी कोर्ट में, तो इंटरशाला पे आपको बहुत सारी ऐसी इंटर्नशिप मिल सकती है जहाँ पे आप घर बैठे या एक दो घंटे का टाइम निकाल के उनका कोई काम कर सकते हैं। एक दो घंटे का वो काम देते हैं, वर्क फ्रॉम होम टाइप हो गया, एंड वहाँ से इंटर्नशिप कर देते हैं एंड उसका आपको बकायदा पूरा सर्टिफिकेट मिलता है एंड जो आपके रिज्यूम में ऐड होगा। तो वो भी एक काफ़ी बेनिफिट है, बहुत अच्छा है कि आप मतलब आपके साथ एक बार में दो दो इंटर्नशिप कर ले रहे हो, ऑफलाइन भी हो रही है ऑनलाइन भी हो रही है, तो इंटरशाला पे ये बेनिफिट मिलता है। चलो मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ एंड पूरा प्रोसेस बताता हूँ कैसे आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो और कैसे वहाँ पे सर्च कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए। तो आपने गूगल पे सर्च कर लेना इंटरशाला, ठीक है, देन उनके पास इंटरशाला पे आप लिंक फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना, देन उसके बाद आपका ऐसे होम पेज खुल जाएगा इंटरशाला का। देन आप ऊपर जाना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है, एज अ स्टूडेंट क्लिक करना है उस पर, देन आपको ऐसे अकाउंट बनाने के लिए आ जाएगा। वहाँ पे आपको अपनी डिटेल डालनी, ईमेल डालना है, ईमेल पर अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ईमेल सर्च कर देनी है, ईमेल अपनी डाल देना, पासवर्ड डाल देना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, देन उसके बाद आपको साइन अप करना है। तो जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको जिस जो आपने ईमेल आईडी डाली है वहाँ पे ये आपको मेल चली गई होगी कंफर्मेशन के लिए, तो आप अपनी वहाँ पे ईमेल खोल लेना, मैं भी करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो जैसे ही ये ईमेल खुल जाएगी, देखो मेरे को इंटरशाला से मेल आ गई वेरीफाई करने के लिए, आप वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर देना, देन वो अपने आप एक पेज खुल जाएगा और उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। एंड यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है, तो पर्सनल डिटेल्स आप डाल देना। देखो जब आप सेव करेंगे उसके बाद आपको प्रेफरेंसेस मांग रहा है कि आप किस चीज़ के लिए देख रहे हैं, इंटर्नशिप्स या जॉब्स, तो मैंने इंटर्नशिप पे क्लिक कर दिया। टाइप ऑफ इंटर्नशिप्स पूछ रहा है उस पर आप दोनों पे कर देना, एंड इंटरेस्ट आपका पूछ रहा है तो आप अपना लॉ में डाल सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ और भी आता है, जैसे मैंने लॉ से पहले ग्रेजुएशन करी है तो उसके हिसाब से भी आप कुछ डाल सकते हैं। जैसे मैं लॉ कर रहा हूँ तो लॉ का डाल दिया, देन मैंने ग्रेजुएशन करी है, ग्रेजुएशन मैंने मार्केटिंग से करी है तो मैं मार्केटिंग का मैं डाल देता हूँ, मार्केटिंग या सेल्स दोनों एक ही चीज़ हो गई, तो वो मैंने प्रेफरेंस डाल दी अपनी इसमें।
देन उसके बाद इसमें आपको अपनी लोकेशंस पूछेगा, आप कौन सी लोकेशंस पे करना चाहते हैं। तो जो आपके आसपास लोकेशन हो, जैसे मैं फरीदाबाद रह रहा हूँ तो फरीदाबाद से नियर दिल्ली हो गया, दिल्ली नियर नोएडा एंड गुड़गांव मेले सारे आसपास हैं, तो मैं वो सारी लोकेशन डाल देता हूँ जहाँ पे भी जॉब्स अवेलेबल हैं, वो मैं मतलब मैं इजिली कर सकता हूँ। देन उसके बाद आप सेव पे क्लिक करना, सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट सारी जितनी भी जॉब्स हैं सारी आ जाएंगे। ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 2501 इंटर्नशिप्स मैचिंग योर प्रेफरेंसेस। देन उसके बाद ऊपर फिल्टर, वहाँ पे साइड में आपके पास फिल्टर का भी ऑप्शन है, फिल्टर पे जाके जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये मार्केटिंग एंड बिजनेस रिलेटेड जॉब सारी, क्योंकि मैंने उसमें प्रेफरेंस डाला था मार्केटिंग एंड सेल्स का। बट अगर आप वो नहीं डालेंगे, सिर्फ लॉ के डालेंगे, तो आपको लॉ की भी आ जाएगी, मैं डाल के दिखा दे रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे सीधा फिल्टर पे लेके चलता हूँ, फिल्टर पे दिखाता हूँ, फिल्टर पे क्लिक करना, वहाँ पे एज योर प्रेफरेंसेस लिखा है, एज माई प्रेफरेंसेस वो आपको हटा देनी है, वहाँ से हटाना। देन उसके बाद यहाँ पे आप कैटेगरी में डाल दो लॉ। अब लोकेशन डाल दो जिस लोकेशन में आपको चाहिए, तो अब मैंने दिल्ली डाला है, दिल्ली के हिसाब से अब देखना सारी जॉब्स आ जाएंगी जो भी लॉ की है। 35 लॉ इंटर्नशिप्स अवेलेबल हैं दिल्ली में, तो ये सारी इंटर्नशिप्स आ चुकी हैं यहाँ पे। जो पेड अनपेड वो सब लिखा होगा, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे लिखी हुई आ रही है, वो जो पेड है या अनपेड है एंड कितनी ड्यूरेशन है, कितने टाइम के लिए है, वो सब यहाँ पे आपको आ रहा है। अब इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 35 लॉ इंटर्नशिप्स अवेलेबल हैं दिल्ली में, तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे आपने दिल्ली लिखा है वहाँ पे अपनी और लोकेशन प्रेफरेंसेस डाल सकते हैं, जैसे जो आपके नियर है, जैसे मैंने बताया कि मेरे नियर दिल्ली नोएडा गुड़गांव फरीदाबाद ये सब नियर है, तो मैं वहाँ पे डाल सकता हूँ। अब मेरे को गुड़गांव में भी चलेगी, नोएडा भी मैं इजीली कर सकता हूँ, फरीदाबाद भी कर सकता हूँ, तो मैं वहाँ की लोकेशन डाल देता हूँ। उससे ये होगा कि आप मतलब जो भी इंटर्नशिप है वो बढ़ती चली जाएंगी और आपको मिल जाएंगे चूज़ करने के लिए कि कौन सी इंटर्नशिप ईजी है या आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सेकंड नंबर पे वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो वो है लिंक्डइन, काफ़ी फेमस है, वो सभी जानते होंगे। तो लिंक्डइन पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं जिसका ऑलरेडी है, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे दोबारा से, एंड फिर मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और कैसे सर्च कर सकते हो इंटर्नशिप्स के लिए। तो ये मैं आगे आपको लिंक्डइन पे दिखा रहा हूँ, लिंक्डइन पे ऑलरेडी मेरा अकाउंट है, तो जिनका नहीं है वो बना लेना, बहुत इजी है, इजीली बन जाता है। तो ये मेरा होम पेज है लिंक्डइन पे, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। जस्ट आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सर्च पे जाना है और सर्च पे बस आपको टाइप करना है लॉ इंटर्न, लॉ इंटर्न के आप टाइप करेंगे उसे सर्च कर देना। देन आप जैसे इसमें सी ऑल का आ रहा है, सी ऑल जॉब्स रिजल्ट्स इन इंडिया, आप उस पर क्लिक कर देना। देन उसके बाद देखो आपको कितने सारे ऑप्शंस आ गए आपके पास एक इंटर्नशिप के लिए। इसमें बहुत सारी इंटर्नशिप्स हैं, अलग अलग सिटीज़ में भी हैं, मोस्टली दिल्ली की मिल जाएंगी। आप ऊपर आपको वहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आएगा, उसमें आप अपने अकॉर्डिंगली जो आप करना चाहते हैं, जिस हिसाब से आपको जॉब चाहिए, कहाँ चाहिए, किस लोकेलिटी में चाहिए, किस टाइप की चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, ऑफलाइन चाहिए, वो आप इसमें सब ऐड कर सकते हैं एंड काफ़ी सारी आपको मिल जाएंगी। एंड इसमें जब आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे उसके अकॉर्डिंग भी इसमें आपको नीचे दिखाता है, सजेस्ट करता है कि ये इंटर्नशिप आपके लिए प्रेफरेबल है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे इंटर्नशिप्स लिंक्डइन पे भी। तो ऐसे ही एक दो प्लेटफॉर्म और हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, वो है लॉकटोपस एंड सेकंड है नौकरी.com, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट करूँगा इंटरशाला और लिंक्डइन, यहाँ पे मिल जाएगी आपको, बहुत सही है। मतलब इंटरशाला मैं सजेस्ट करूँगा कि इंटरशाला पे करो यार, ऑफलाइन भी करो ऑनलाइन भी करो, बहुत सही है। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको और सजेस्ट करना चाहूँगा, देखो अगर आप फ्रेशर हो या फिर आपको एक साल हो चुका है, तो आप एक चीज़ और ये चीज़ मत देखना कि वहाँ पे आपको पेड मिल रही है अनपेड मिल रही है, आपको इंटर्नशिप मिल रही है आप करो, वो आपके रिज्यूम के लिए बेनिफिट होगा, वो आपको आगे पता चलेगा जब आप जॉब में जाओगे या कहीं प्लेसमेंट्स वगैरह में होती है, जॉब में कहीं अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ, और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, भीग भी मत जाना यार, बीमार बीमार पड़ जाओगे। तो मेन कहने का मतलब है कि पेड अनपेड ये सब मत देखो कि यार यहाँ पर तो पैसे नहीं मिल रहे, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, इंटर्नशिप मिल रही है करो, भर के इंटर्नशिप करो, रिज्यूम में जब आता है ना इतने आपने यहाँ पे इंटर्नशिप करी है, इतनी सारी इंटर्नशिप करी है, तो बहुत बेनिफिट होता है उसका आगे जाके। तो चलो ये तो मैंने सारी चीज़ आपको बता दी कैसे आप एक इंटर्नशिप मिल सकती है आपको, ठीक है। अब बट ये भी नहीं कि आपने बस रिज्यूम बना दिया और आपको इंटर्नशिप मिल गई, आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी जरूरी होती है, तभी आप किसी का काम कर सकते हो, यानी कि आप किसी के काम आओगे। तो जो सामने वाला क्या देखता है कि रिज्यूम में, तो वो मैं आपको बताता हूँ आपको किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। देखो फर्स्ट मैं बताता हूँ आपको, एक बेसिक लॉ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप लॉ पढ़ रहे हो बट देखो उसमें ये होता है कि जैसे आपके सब्जेक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, IPC हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो गई, तो इसमें ये होता है देखो आपको ना बेसिक चीज़ें सारी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आप मैं बता रहा हूँ जैसे अभी हम रिसर्च वगैरह करते हैं केसेस पे या कोई केसेस पढ़ते हैं, तो उसमें ना बेसिक छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। अब एक चीज़ वो अलग बात होगी कि आपने पढ़ा और पेपर क्लियर कर लिया, आप पास हो गए, फर्स्ट से सेकेंड सेमेस्टर में आ गए, चीज़ों को क्लियर फाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो बेसिक जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है लॉ की। सेकंड चीज़ आती है वो होती है कि आपकी कमांड होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशंस पे, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड जितने भी बेयर एक्ट्स हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, वहाँ पे हमें केसेस आते हैं पढ़ने के लिए, चाहे वो सिविल का हो क्रिमिनल का हो। तो हम जब वो केसेस पढ़ रहे होते हैं उसमें हमें सेक्शंस मिलते हैं कि इस सेक्शन के साथ ये हुआ वो हुआ ये, तो उसके साथ हमें बेयर एक्ट्स साथ साथ पढ़ने पड़ते हैं। तो शुरू से ही अगर आप वो डाल लेंगे बेयर एक्ट्स पढ़ने की एंड कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब पूरी क्लेरिफिकेशन होगी आपकी एंड बेयर एक्ट्स पे आपकी बहुत ज़्यादा कमांड होगी अच्छी, तो आप इजीली रिसर्च कर सकते हैं केसेस पे एंड केसेस को पढ़ सकते हैं, उसमें ग्राउंड्स ढूंढ सकते हैं, उनके फैक्ट्स ढूंढ सकते हैं, आराम से सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर होगी। बहुत मतलब आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एक होता है कि आपने कुछ पहले ध्यान नहीं दिया, देन उसके बाद इंटर्नशिप कर रहे हो एंड वहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ें हो जाती हैं। तो इसी वजह से आपको एक कमांड होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन पे एंड बेयर एक्ट्स को पहले से पूरा क्लियर करके चलो। तो देखो, पहला मैंने आपको बता दिया कि भाई बेसिक नॉलेज होनी चाहिए लॉ की, देन बता दिया कि आपको कमांड होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन पे एंड बेयर एक्ट्स पे। थर्ड आता है जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ड्राफ्टिंग की, कि ड्राफ्टिंग कैसे करी जाती है, और एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड और ड्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, एमएस वर्ड का ना हर जगह काम पड़ जाता है, चाहे वो रिसर्च कर रहे हो या ड्राफ्टिंग कर रहे हो, आपको आना ही चाहिए। तो देखो, जिसे एमएस वर्ड नहीं आता वो सीख ले, और जिसे आता है उसके लिए वेल एंड गुड है। क्योंकि हम भी अगर अभी रिसर्च वगैरह करते हैं तो हमें केसेस वगैरह मिलते हैं, तो हमें वो पूरा एक फॉर्मेट में बना के देना पड़ता है। चाहे अगर हमें कोई काम दे दे कि वो केस पढ़ो, उसमें हमें इसके ग्राउंड चाहिए या दूसरी जजमेंट ढूंढ के दो, उसमें हमें सिमिलर चाहिए, तो हम वो ऐसे नहीं देते कि देखो ये इसमें हमने कॉपी में लिख के देते, वो हमें पूरा एक एमएस वर्ड में पूरा फॉर्मेट बना के देना पड़ता है। तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एमएस वर्ड सीख लो जिसको नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने बता दी कि क्या ज़रूरी, कैसे आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इंटर्नशिप के लिए। तो आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, यूज़फुल होगी, एंड अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। एंड अभी और भी वीडियोस आने वाली हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ एंड जो ज़्यादा ज़रूरी है एज अ लॉ स्टूडेंट और एज अ फ्रेशर। बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो मेरे भी थे, अब क्लियर हो रहे थे, उसी के हिसाब से मैं आपको वीडियोस बना के दे रहा हूँ। तो चलो, आज के लिए बस इतना ही यार। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल कर देना।